टी20 लीग 13वां सीजन 22वां मुकाबला हैदराबाद और पंजाब आमने सामने। हैदराबाद ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। स्वागत है आपका भारतवर्ष टीवी9 भारतवर्ष की इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज में। मैं हूं दिनेश गौतम और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज लगातार हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि दिनेश ने बताया, टॉस जीत लिया है हैदराबाद ने। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और हैदराबाद की टीम में सिद्धार्थ कौल की जगह खलील अहमद की वापसी हुई है। ये एक बदलाव है। रीमा, ये तो टॉस के हिसाब से ये ज्यादातर जिसने पहले बल्लेबाजी की, अभी तक जो 9 मुकाबले हुए हैं 8 पहले बल्लेबाजी वाले ने जीता, इस हिसाब से तो हैदराबाद जीत गई कह सकते हैं, क्योंकि अब सबको समझ में आ गया है कि पहले टॉस जीत के आप किसी दूसरे को मौका मत दीजिए, वो मौका खुद ही अपनाइए, क्योंकि अच्छा निर्णय है। बिना प्रेशर बल्लेबाजी कीजिए, विकेट भी अच्छा खेल रहा है स्टार्टिंग में, बाद में थोड़ा स्लो हो रहा है, तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली SRH को मिल सकता है कि पहले तो आप बल्लेबाजी कीजिए और उसके बाद अपने स्पिनर्स को गेम में लेके आइए। और सिद्धार्थ कौल की जगह ये जो बदलाव हैदराबाद की टीम ने किया है, सुषमा, इस बदलाव को आप कैसे देखती है? विल इट हेल्प? ऑफकोर्स, बिकॉज आखिरी मैच में काफ़ी पीटे थे दो। मुझे नहीं लगता कि आप शारजा जैसे ग्राउंड में खेल रहे थे, बहुत छोटा ग्राउंड था जहाँ कोई भी बॉलर नहीं चाहेगा कि अगर मेरा आज मुझे मौका मिल रहा है तो ना ही मिले, इससे बेटर है, क्योंकि बहुत छोटे ग्राउंड में बहुत कम चांसेस है आपके बचने के, बहुत महंगे साबित हुए थे। बहुत अच्छा चेंज है और कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार के जाने के बाद लैग कर रही थी बॉलिंग और आज देखते हैं कैसा करते हैं।